शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये काला धागा नहीं, पहरा है मंदाकिनी, मेरा पहरा, जो इस बच्चे पर हमेशा रहेगा। लगता है वहां कोई है। बात इतनी आवश्यक है कि मैं स्वयं चला आया। आज से 21 वर्ष पूर्व सुनैना के जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के विपरीत होने की बात मैंने बताई थी, उसका समय आरंभ हो चुका है। अब सुनैना को कठिन संघर्ष, संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तारा, तो पूजा स्थल के संदूक में से छोटा सा बक्सा तो लेकर आना। जी नानी। क्या ढूंढ रही हो नानी, मैं निकाल दूं? अरे नानी, ये तो दीदी की कुंडली है। दीदी की कुंडली किसी लड़के की कुंडली से मिला रही हो ना? इसमें हंसने की क्या बात है, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी दीदी की, 21 की होने वाली है, उसके लिए कोई ढंग का लड़का ढूंढना पड़ेगा ना। दिल लगा के ढूंढना नानी, वो क्या कहते हैं ना, 32 के 32 गुण मिलने चाहिए। 32 नहीं, 36 गुण मिलाने होते हैं। अच्छा, तू अब अपनी 32 सी बंद कर और जा यहाँ से, कुछ भी बोलती रहती है। इससे पहले कि मेरी सुनैना पर वो काला साया पड़े, मुझे उससे ब्याह करके यहां से दूर भेजना होगा। ये
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी की जान लेने की? इसे जान लेना नहीं, शिकार करना कहते हैं। शिकार करने से जाने नहीं जाती? और ये जो तुम तीर यहाँ वहाँ चला रहे हो, तुम्हें पता है एक मासूम बच्चे की जान जा सकती थी। वो तो माता रानी का शुक्र है उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो तीर आकर मेरे पैर के पास गिरा, अगर उसे कुछ हो जाता तो? पर तीर उसे लगा तो नहीं ना? उस बच्चे को नहीं लगी, पर मुझे तो लगी। ये देखो, कहते हैं अगर इंसान अपनी गलती मान लेना तो उसे माता रानी भी माफ कर देती है। पर तुम जैसों को तो अपनी गलती पर नहीं बल्कि उसकी माफी मांगने में भी शर्म आती है। तुम आप कहकर बोलो। तुम अभी हमें जानती नहीं कि हम कौन है। जानना भी नहीं है। और तुम आप ये बात जान लो, जो इंसान किसी निर्दोष और बेजुबान को मारे वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और तुम जैसी बदतमीज और घमंडी लड़की अच्छी हो भी नहीं सकती। पहली बात, किस महापुरुष ने कहा है बदतमीजी करना केवल मर्दों का हक है? और दूसरी बात, लगता है आपको बदतमीजी और तमीज का फर्क नहीं पता। अगर आपको फर्क पता होता ना तो आप जान लेते, यहाँ बदतमीज मैं नहीं कोई और है। घमंडी लड़की, तुमने हमें बदतमीज बोला? मैंने कब कहा? मैं तो बस आपको गुनाह करने से रोक रही थी। ये जंगल हमारा है, यहाँ के जानवरों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपको यहाँ शिकार करने हरगिज नहीं दे सकती। तो अब हम भी देखते हैं कि हमें अगली बार शिकार करने से कौन रोकता है। अगली बार एक तीर चलाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि इस बार मेरा निशाना आपके तीर पर लगा है, अगली बार मेरा निशाना कहीं और भी हो सकता है। नाम भी युवराज अधिराज है। इतनी आसानी से इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं।